कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान पवन, श्रीमती अलका, श्रीमान अपूर्व, श्रीमती नेहा, श्रीमान भावित, श्रीमती श्रिया, शरण जैन कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। फर्म आदेश शूटिंग्स, भीलवाड़ा, पायस इंटीरियर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9414112751। नीति के विषयों का श्रवण कर रही है। नीति हमें सिखाती है कि कैसे हम निराभिमानी बने, क्योंकि मान एक ऐसा अवगुण है जो आपको दिखाता तो है कि ऊंचे उठ चुके हैं, लेकिन ऊंचा कोई उठ नहीं पाता। वजन लेकर के उड़ेगा अगर कोई, या वजन लेकर के तैरेगा कोई, तो उड़ नहीं पाएगा, तैर नहीं पाएगा, डूबेगा। आज की नीति कह रही है कि अहंकार और अभिमान ऊंचे व्यक्ति को नीचा बनाता है। अहंकार और अभिमान ऊंचे व्यक्ति को नीचा बनाता है, इंसान को हैवान बनाता है। अहंकार, मैं हूं, ये अच्छी बात है, मैं ही हूं, ये अहंकार है। मैंने बहुत लोग देखे दुनिया में, कोई कितना ही अहंकार कर ले, समय बहुत बलवान है, अहंकारी को भी नीचे आते देखा जाता है। और मेरा तो एक दृढ़ निश्चय है, जो अहंकार करेगा उसके गुण जाएंगे ही जाएंगे, निश्चित जाएंगे। हर वस्तु को एक तपाने का समय होता है, उससे अधिक तपाओगे तो जाएगा। दुग्ध होता ना, दुग्ध, उसको आप तपाना, सफेद से लाल हो जाता है, मीठा हो जाता है, लेकिन अधिक तपाना वही जल जाएगा। ये जो मान है, ये अधिक तपाने के समान है, वो जला देगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब खाक कर देगा। इसलिए इंसान के अंदर जो समा जाए वो स्वाभिमान है, इंसान के बाहर जो छलक जाए वो उसका अभिमान है। वो जो अभिमानी होता है वो प्रशंसा चाहते हैं, हाँ और बताओ, और बोलो मेरे बारे में, और बोलो, तुमने अभी कुछ बोला ही नहीं, ये तो तुम भूल ही गए। ये अभिमान है, ये अभिमान आपको नीचे लेके जाएगा। और अभिमान किस बात का है, जब तेरा कुछ है ही नहीं तो अभिमान किस बात का है। देखो आप, मान एक पत्थर की तरह है, वो आपको चलने में, दौड़ने में, तैरने में, उड़ने में रुकावट उत्पन्न करता है, बांध के रखता है। मान कहता है तुमसे ऊंचा कोई नहीं। मान क्या कहता है, तुमसे ऊंचा कोई नहीं, जबकि गौर से देखे तो मान करने वाले से नीचा कोई नहीं। अगर तुमको अभिमान मान पैसे का है, तुमसे बड़े पैसे वाले भी हैं। एक सेठ को एक बार अभिमान आ गया, घोषणा हुई कि नगर के बाहर के उद्यान में तीर्थंकर प्रभु का समोशरण आया है। सेठ बड़ा अभिमानी था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, और सेठ जो था अपने लश्कर के साथ पहुंचा, जो उसके तिर्यंच थे उनको भी सोने के आभूषण वस्त्र पहना के निकला कि मैं सबसे बड़ा हूं। सौधर्म इंद्र ने देखा, अपने अवधि ज्ञान से जा रहा था कि इतनी भीड़ कहां जा रही है, ओहो ये सेठ तो अभिमानी है, रुक। सौधर्म इंद्र अपना ऐरावत हाथी लेके निकल गया, सेठ फीका पड़ गया, क्योंकि जम्बू द्वीप के बराबर तो ऐरावत हाथी है। शेर को भी सवा शेर, बब्बर शेर मिलते हैं। तुमको अभिमान किस बात का है, पैसे का है तो तुमसे ज्यादा भी है लोगों के पास, रूप का है तो तुमसे सुंदर भी है। कभी इस चक्कर में नहीं पड़ना कि आपके पास है, आपके पास कुछ नहीं है, सब दिखावा है। सत्य तो वही है जो जाने के बाद है, आंख बंद होते ही कुछ नहीं बचेगा। जिनके पास पैसा है वो भाई अभी ये मत सोच लेना कि मैं पैसे वाला हूं, छाती पे क्या लेके जाओगे ये बताओ, ऊपर क्या लेके जाओगे ये बताओ, पैसा लेके जाओगे
ऊपर कर्म लेकर के जाओगे, कर्म तुम्हारे हैं, उस पर दृष्टि रखना। पैसा तो आज है कल नहीं, पद तो आज है कल नहीं, फिर मद किस बात का? जो मद करते हैं पद का, उनका पद एक दिन चला जाता है। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना जरूर जानता हूं, मैं अपनी बात अपना अनुभव कहता हूं कि मेरा तजुर्बा नहीं, लेकिन इतना अनुभव जरूर है कि छोटा आदमी मौके पर काम आ जाता है। ये तजुर्बा है हमारी जिंदगी का कि छोटा आदमी मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी अपनी औकात दिखा जाता है। छोटा आदमी आपके लिए सब छोड़ करके आ जाएगा, आप नौकर को फोन करना, बेटा आ जाओ काम है, हाँ भैया, सब काम छोड़ के भागता भागता आएगा और वो कह दे भैया थोड़ा हमारे यहां 5 मिनट आज शादी है, आप आ जाना, बेटा मेरे पास टाइम नहीं है। जिसने आपके लिए समय निकाला हो उसके लिए भी समय निकालना सीखें। पैसे का क्या है, वो तो मल का पिंड है। रावण के पास ज्यादा संपत्ति थी राम से, कंस के पास ज्यादा संपत्ति थी कृष्ण से, हुआ क्या, सब ढेर हो गया। रावण की लंका लगा दी राम ने, राम ने नहीं लगाई, रावण की लंका रावण ने लगाई। रावण को मारने वाला रावण नहीं था, राम नहीं था, रावण का रावण ही था, अहंकार था। अपने अंदर बैठे रावण को पहचानो, कहीं मैं अहंकार में तो नहीं हूं कि मेरे पास है, तुम्हारे पास क्या है, रूप रंग ये सब मिटेगा, सब मिटेगा, कुछ शाश्वत नहीं है। अहंकार किस बात का, अहंकार किस बात का? आप मान को देखो, पत्थर की तरह है, कठोर है, वो आपको सरल होने नहीं देता। और देखना, अहंकार कांटे की तरह है, दूसरे को भी चुभाता है, खुद को भी चुभाता है, लेकिन खुद की चुभन पता नहीं चलती, दूसरे को चुबाता है। आप देखो, अगर कोई कभी कहीं पात्रता ले ले, फिर वो ऐसा छाती तान के खड़ा होता है, नहीं। देखना आप, अपना घर नया बना ले कोई व्यक्ति, फिर देखो आप उसको कंपैरिजन करता है, मान कांटे की तरह चुभता है। मान मत करो, विनय करो, झुक के चलोगे तो ऊंचे उठ जाओगे। मैं नहीं जानता कि पक्षी इतना ऊंचा कैसे उड़ लेते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं जो इंसान झुक के चलते हैं वो पक्षी से भी ऊपर उड़ लेते हैं। थोड़ा सा विनम्रता के साथ अकड़ के चलोगे तो टूट जाओगे, झुक के चलोगे तो जीवित रह जाओगे। ये जो मान है ये विष की तरह है, लगता है कि मीठा, लेकिन अंतिम समय मरण देता है। ये जो मान है ये आपके लिए खुजली की तरह है। खुजली देखी ना, वो कुछ लोग रहते ना एटीट्यूड वाले, हर चीज में मुंह बना लेते हैं, कुछ नहीं हुआ अभिमान उनको मुंह बना देता है। भैया उनसे बोला है, खुजली की तरह है, खुजा लो, उसके बाद पीड़ा मिलती है। जब तुम्हारे अंदर हीन भावना की लहरें आए तो नीचे देख, जमीन में तुझसे भी नीचे कोई है। क्या हीन भावना, क्या अभिमान, कुछ नहीं करना, हमें तो अपनी विनय पर ध्यान देना है। विनय रहेगी, सभी आपको पूछेंगे, पूजेंगे। आपकी जगह पर आके कोई बैठ जाए, बोलना भैया आइए, मैं पीछे बैठ जाता हूं। कोई आपके भोजन के स्थान पर बैठ जाए, कोई नहीं, आप बैठ जाइए, मैं भोजन कर लूंगा। हर किसी के अंदर अभिमान है, लेकिन दबाने की प्रक्रिया हर किसी के पास नहीं है। पैसा तो हो, लेकिन पैसा दिमाग में ना हो, जेब में हो। जिसके दिमाग में पैसा है बहुत छोटा आदमी है, जिसके जेब में पैसा है वो बड़ा आदमी है। दिल में पैसा और दिमाग में पैसा आ जाएगा तो तुम पैसे वाले नहीं, छोटे व्यक्ति कहलाओगे। ऐसा चिंतन करना, ये आज की नीति। छोटे आदमी धोखा नहीं देते, बड़े आदमी धोखा दे जाते हैं, इसका ध्यान रखना। शेष
आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की।